हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आपका सीटेट का रिजल्ट आउट हो गया है, आपने देख ही लिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो कैसे देख सकते हैं, आप डायरेक्ट जाएंगे सीटेट की वेबसाइट पर। तो ये रही आपकी सीटेट की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक करेंगे तो इसको आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका पेज खुल जाएगा। और यहाँ पर आप सबसे पहला ही ऑप्शन देख सकते हैं कि आपको दिख रहा है सीटेट जनवरी रिजल्ट का, ये तो एडमिट कार्ड का अब आ गया। इससे पहले वाला क्या था कि सीटेट जनवरी रिजल्ट का आप देख सकते हैं। अब आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा सीटेट जनवरी रिजल्ट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है और रोल नंबर डाल के सबमिट कर देना है और आपका रिजल्ट, आपका प्रॉपर, आपका पेपर वन और पेपर टू का रिजल्ट आ जाएगा। अब बात कर लेती हूँ कि आप कितने आपके पासिंग मार्क्स हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो 90 नंबर, और आप किसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो आपको चाहिए 82 नंबर। तो अगर इससे इतने मार्क्स हैं या इससे प्लस नंबर हैं आपके, तो आपका ये पास माना जाएगा, अदरवाइज आपका ये सीटेट फेल हो जाएगा। तो दो तरह के रिजल्ट होंगे अभी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ लोगों का क्लियर हो गया और कुछ लोग अभी रह गए होंगे कुछ नंबरों से। तो जिन जो लोग पास हो गए हैं उनके लिए तो बहुत बिग बिग कांग्रेचुलेशंस, पर जो लोग का नहीं क्लियर हो पाया, इस बार कुछ कमियां रह गई, तो वो अपनी कमियों को जज करेंगे और उस कमियों को जज करके अपने नेक्स्ट वाले सीटेट के लिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको अभी से कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से करनी है, उसमें आपको ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा। साथ ही साथ आपका नेक्स्ट सीटेट जो है वो संभावता आपका जुलाई में या आपका अगस्त में होना संभावित है, तो ये आप इसके लिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि सीटेट का एग्जाम जो है वो थोड़ा सा अप लेवल का करते जा रहे हैं, जितनी बार भी आप पेपर्स देखेंगे उठा के, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो पेपर्स का लेवल अच्छा हो गया है। तो पढ़ना जरूरी है सीटेट के लिए, और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी ही देने के लिए थी। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।